हेलो इन्वेस्टर्स, बहुत से लोग पैनिक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टॉक में जो हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है और जो गिरावट देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं एक बहुत लेवल से हद तक ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें अभी स्टॉक ने जो लेवल्स अपने इंपॉर्टेंट ड्रॉ किए हैं आज के दिन, वो कहीं ना कहीं 210.70 के लेवल्स को इसने एक अच्छा खासा अपना सपोर्ट लेवल ऐसा ड्रॉ किया है। अगर मैं बात करूँ स्टॉक में हमें कल के दिन इस स्टॉक में अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं द डाउन साइड और एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर 1 आवर के चार्ट फ्रेम में, तो हमें इसमें गिरावट भी देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ स्टॉक में अगर अपसाइड ट्रेंड आना होगा तो इस लेवल को कहीं ना कहीं 221.85 के लेवल्स को ब्रेक करना होगा फॉर द शॉर्ट टर्म की मैं आपको बात बता रहा हूं। अगर हम बात करें स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया है मेरा, इस टाइम पे आप इस स्टॉक को अगर बाय करेंगे तो देखिए आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट इन द अपकमिंग टाइम डेफिनेटली बन के मिलेगा स्टॉक के अंदर। मैं ये आपको इस टाइम पर बोल रहा हूँ, आप मेरे इस बात को देख भी सकते हैं, अराउंड आप कमेंट भी कर सकते हैं इस चीज़ को, एंड देन आप दोबारा से आके इन द 2 मंथ बाद 2 महीने बाद आप इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए स्टॉक में मैंने भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी टाइम बनाया, जब जब स्टॉक नीचे गिराया तो मैंने इसको बाय किया एंड जब जब स्टॉक अपसाइड गया तो मैंने स्टॉक में अच्छी खासी सेलिंग बना के अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, टाटा का स्टॉक है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनती है हमारी इस टाइम पर। जिसको लगता है कि स्टॉक और ज़्यादा गिरेगा, हो सकता है होपफुली और ज़्यादा गिरे, तो गिरने पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनानी है बिकॉज स्टॉक पिछली बार गिरा था 188 और 190 के आसपास, बट स्टॉक ने जब हमें अपसाइड ट्रेंड दिखाया तो 256 के लेवल अचीव करके दिखाया। ऐसा ही एक बार नहीं 2-3 बार कर चुका है, तो ऐसा हमें दोबारा से इस स्टॉक में मौका मिला है तो क्यों ना हम दोबारा से इसमें बाइंग बनाएंगे, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में ले। बाकी आपकी राय, कुछ एनालिसिस करें बिफोर बाइंग और सेलिंग इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक।